ऐसे लॉकडाउन के टाइम पे बाहर के खाने की याद तो आप सभी को आती होगी, और इस समय बाहर जाकर खाना सेफ नहीं है। ऐसे लॉकडाउन के टाइम पे घर का बना हुआ स्वादिष्ट सा पिज़्ज़ा मिल जाए तो क्या बात है। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल सी रेसिपीज़ यूज़ करेंगे जो पिज़्ज़ा बनाने में यूज़ होती है, और ये पिज़्ज़ा बहुत ही कम टाइम पर बन जाता है, और ये बनने में भी बिल्कुल बाहर के जैसा ही। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइज, इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसमें से है प्याज, जो कि 3 से 4 आप मीडियम साइज़ के ले सकते हैं। ये चीज़ है जो कि मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगी, इसे मोज़रेला चीज़ कहते हैं, जो कि 200 ग्राम का पैकेट है और 80 रुपीज़ का आपको कहीं भी बेकरी शॉप या कॉन्फेक्शनरी की शॉप में मिल जाएगा। 3 मैंने लिए हैं शिमला मिर्च और 3 मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के टमाटर। इसके बाद हमारे पास किसान की पिज़्ज़ा एंड पास्ता सॉस, जो कि ईज़िली अवेलेबल है जनरल मर्चेंट शॉप में, और ये 4 पिज़्ज़ा बेस है जो कि बने बनाए आप ले लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम लेता है पिज़्ज़ा में पिज़्ज़ा बेस, जो इतनी आसानी से नहीं बनता, उसे बनाना थोड़ा मुश्किल है और उसमें टाइम भी बहुत लगता है। तो इसलिए ईज़िली आपको कोई भी कन्फेक्शनरी या जनरल मर्चेंट की शॉप में आपको पिज़्ज़ा बेस आसानी से मिल जाएगा, और ये पूरे पके हुए नहीं होते हैं। जब आप इसे ओवन में या कढ़ाई में डालेंगे तो ये पक भी जाते हैं, और आपके जो पिज़्ज़ा का बेस है जो आप टॉपिंग करते हैं चीज़ लगा के, उसके साथ साथ वो भी पक जाती है। और टॉपिंग पूरी डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आप टॉपिंग्स में कि आप टॉपिंग में क्या क्या डालना चाहते हैं। अगर आपके पास इतनी सब्ज़ियाँ नहीं हैं तो जो भी सब्ज़ी आपके पास है वो आप डाल सकते हैं। जैसे आपके पास शिमला मिर्च नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पनीर है आपके पास या आपके पास स्वीट कॉर्न है, आप उसे भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर पनीर और स्वीट कॉर्न भी लिया है थोड़ा थोड़ा सा, और पनीर को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर आप किस टॉपिंग में पिज़्ज़ा खाना पसंद करते हैं। कुछ लोग सिर्फ स्वीट कॉर्न डाल के ही चीज़ के साथ बना लेते हैं, और कुछ लोग पनीर पिज़्ज़ा में थोड़ी सी टॉपिंग डाल के पनीर पिज़्ज़ा बना लेते हैं। तो मैं यहाँ मिक्स करके बना रहा हूँ जैसा कि मुझे पसंद है, तो आपको जैसा भी पसंद हो वैसा आप बनाएं। तो सबसे पहले हम लोग बेस में ये सॉस लगाएंगे इस तरीके से, और इसको पूरे में स्प्रेड करेंगे सॉस। ज़्यादा सॉस या कम सॉस आपके ऊपर है, क्योंकि ज़्यादा करने पे थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है वो डार्क हो जाएगा, थोड़ा सा बच्चों को खाने में दिक्कत हो सकती है। जैसे सेजवान सॉस आप ज़्यादा डाल देते हैं तो एसिडिटी होने के चांसेस हो जाएंगे और बच्चे भी आसानी से नहीं खा पाएंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप जितना सॉस डालेंगे। इसमें मिर्च और नमक दोनों मिली हुई होती है, तो इसमें ऊपर से आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद इसमें प्याज सजाते हैं, प्याज के बाद शिमला मिर्च, थोड़ी थोड़ी सी टॉपिंग ऐसे सेट करेंगे। उसके बाद मैंने छोटा छोटा थोड़ा सा टमाटर रखा है, और फिर पनीर के छोटे छोटे टुकड़े रखे हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्वीट कॉर्न लगाया है। अब बस इसके ऊपर चीज़ ऐसे आप घिस के डाल दीजिए, तो इसकी टॉपिंग मतलब जितने भी इंग्रेडिएंट थे वो मैंने सारे डाल दिए हैं। देखिए, बेस और टॉपिंग्स आपकी तैयार हो गई। अब इसे बनाने के 2 तरीके हैं, या तो आप कढ़ाई पे नमक डालकर कढ़ाई को 15 मिनट गर्म कर ले, आप उस कढ़ाई में ढक करके इसे पका सकते हैं, और अगर आपके पास कोई ओवन या माइक्रोवेव है, जैसे मेरे पास ओटीजी है जिसे मैं प्री हीट कर चुका हूँ, 150 से 200 के करीब बीच होना चाहिए इसका टेम्परेचर। पहले मैं इसे करीब 200 पे 10 मिनट तक पकाऊंगा, उसके बाद 5 मिनट के लिए मैं इसे 150 पे करके पका लूँगा। तो इसे बनाने के लिए आप एक चीज़ का याद रखें कि इसे आप बंद हुई प्लेट में नहीं बनाएंगे, कोई जालीदार प्लेट हुई या कोई वाटर ग्रेन करने वाली प्लेट हुई उस पर रख कर आप इसे डाल सकते हैं, क्योंकि नीचे से भी पकेगा और ऊपर से भी पकेगा।
तो मैंने सेट कर दिया पिज़्ज़ा, और जब तक ये पक रहा है तब तक मैं दूसरे पिज़्ज़े की तैयारी कर लेता हूँ। तो ये देखिए पकता हुआ पिज़्ज़ा आपको दिख रहा है, ये धीरे धीरे चीज़ पिघलना शुरू हो गई है, और दूसरा पिज़्ज़ा भी यहाँ तैयार हो रहा है। और सेम वैसी ही टॉपिंग मैंने दूसरे में भी किया है। तीसरे और चौथे में टॉपिंग थोड़ी सी अलग रहेगी, देखने में बहुत ही भरा भरा सा पिज़्ज़ा लगेगा आपको। और ये देखिए पहला वाला पिज़्ज़ा बन के आ गया है, इसे मैं आपको काट के दिखाता हूँ। अब मेरे पास कटर नहीं है इसलिए ये देसी जुगाड़ है, बहुत ही आसानी से कट जाएगा। ये देखिए चीज़ अच्छे से पक गई है, और इसके ऊपर से ऑरेगानो थोड़ा सा आप डाल सकते हैं, अगर आपको मिर्च डालनी है तो आप मिर्च भी डाल सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। अगर आपको ये सिंपल सी पिज़्ज़ा बनाने की रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।